हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं पारसनाथ मंदिर, भोलेनाथ के दर्शन करने। तो ये मेरा पूरा ग्रुप है जो हम लोग जा रहे हैं। सो सी यू। गाइस, ये लोग कार्ड का वैल्यू चेक करते कर रहे हैं अभी। प्लीज ट्राई अगेन भाई, तुम ट्राई क्यों नहीं कर पा रहे हो? गाइस, इतना तो हम लोग का बैंक बैलेंस नहीं है जितना इसके कार्ड में बैलेंस है। हम लोग पहुंच चुके हैं श्याम बाजार स्टेशन और हम लोग यहाँ से जाएंगे मंदिर। तो चलिए चलते हैं गाइस। गाइस, आमरा सबई मंदिर दिखे हेटे जाते। अमृत हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है गूगल मैप से और हम लोग बस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज, इस वक्त मैं करेंटली हूँ नॉर्थ कोलकाता की गलियों में और करीब करीब गाइज 1 किलोमीटर पैदल चलना है अभी मंदिर जाने से पहले। सो लेट्स गो। तो गाइज, मैं पहुँच चुका हूँ पारसनाथ मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो गाइज, हमने अंदर जाके महावीर जी के दर्शन कर लिए। अंदर बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल था इस मंदिर में और मन में बहुत असीम शांति का प्रवाह हुआ अंदर जाकर। तो अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। ये शॉर्ट ब्लॉग था गाइज, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं गाइज। गाइज, ये मेरे दोस्त कहाँ चले गए? मैं तो इधर ब्लॉग बना रहा था, ये लोग कहाँ चले गए मेरे को अब मिल नहीं रहे। मैं इन लोगों को 10 मिनट से खोज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए सब। वो रहे बैठे हैं। क्या भाई, तुम लोग मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए थे? कोई रिएक्शन नहीं दे रहे लोग। इन दोस्तों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गाइस, मुझे सुनने में आया कि आप लोग को अब तक गलत बताते आ रहा था कि हम लोग किनके मंदिर आ रहे हैं। क्या बताया तुम अपने व्यूअर्स को? एक्चुअली गाइस, मुझको पता नहीं था। मुझको ये लोग बोले कि पारसनाथ मंदिर महादेव का मंदिर है, लेकिन मैं जब यहाँ बोला तुमको एग्जैक्टली उसका सर्कल दिखाओ। एग्जैक्टली ये जो रेड टी शर्ट पहने बंदा, इसका नाम स्वप्नेंदु है, इसने मेरे को बताया कि महादेव के मंदिर हम लोग जा रहे हैं और ये महावीर जी का मंदिर है। कब बताया भाई? झूठ नहीं बोल रहा। कॉलेज में बताया? कॉलेज में हमको भी नहीं मालूम था कहाँ आ रहे हैं, तो तुमको बता देंगे। तो गाइस, अनप्लान्ड ट्रैवल्स आर द बेस्ट वंस। स्कैम तो हो गया गाइस, बट मन की शांति मिल गई। गाइस, हम लोग मंदिर से अभी निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। क्या खाओगे भाई? देखता है बाहर कुछ मिलता है अच्छा खासा खा लें। तो हमने गाइस लंच स्किप कर दिया था यहाँ मंदिर आने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं कुछ। गाइस, ये देखिए, ये दोनों अकेले अकेले गोलगप्पे खा रहे हैं।
और इन लोगों ने हमें पूछा भी नहीं। क्या भाई अकेले अकेले खा रहे हो? एक एक क्या भाई? ठीक है भाई। ये डलना नहीं है, ठीक है? डलेगा, सब डलेगा। गाइस अभी हम लोग आए हैं माँ गौरी मिष्ठान भंडार पे, कुछ मिठाइयाँ खाने जा रहे हैं। गाइस बंगाल तो फेमस ही अपनी मिठाइयों के लिए, तो ये दिखाता हूँ आपको। गाइस हमने लिए काजू कतली। गाइस ये थी काजू कतली मिठाई एंड इट वाज रियली अमेजिंग। गाइस देखिए ये लोग फुचका खाने के बाद अब कुछ मिठाई खाने गए हैं, वो भी अकेले अकेले, और हम दोनों का ये दोनों छोड़ दे रहे हैं। गाइस ग्रुप में भी ग्रुप होते हैं। तो गाइस नॉर्थ कोलकाता के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करते हुए अभी हम लोग श्याम बाज़ार के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है। लेट्स वेट फॉर द फूड। तो गाइज़ मैंने ऑर्डर किया था ग्रेवी वाले मोमोज एंड मैं इनको रेट करूँगा 4/5। दे आर रियली डिलीशियस। तो गाइज़ आज का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, कैसा लगा भाई? इट वाज गुड, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो गाइज़ इस ब्लॉग में इतना है, सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन So